सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मेरा है बर्थडे, तो आज मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, वीडियो बनाएंगे। तो आज मेरे बर्थडे, तो अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, पूरी मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया है। तो अभी स्कूल से होके आते हैं, 2:30 बजे छुट्टी होती है, फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस मैं स्कूल से आ चुका हूँ, पूरे 2:30 बज चुके, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आज तो, और काफ़ी एक्टिव डे था। तो आज मैं अभी स्कूल से आ चुका हूँ, फ्रेश फ्रेश होना है, मैंने खाना खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस खाना वाना सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया फ्रेश, सब कुछ हो गया, कपड़े छपड़े पहन लिए मैंने। तो अब आज क्योंकि मेरी बर्थडे है, वैसे कोई गिफ्ट देता नहीं, तो आज मैं अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। मतलब कि मैंने एक बर्थडे से रिलेटेड छोटी सी पेंटिंग बना ली है, वो पेंटिंग मैं समझो कि अपने आप के लिए बना रहा हूँ। बस देखते हैं किसकी बनती है, दिमाग में है तो सही, बट अब देखते हैं कि उसको मैं उस पेज पे कैनवस पे उतार पाता हूँ या नहीं उतार पाता हूँ। इतनी अच्छी बनती नहीं बनती, पूरा प्रोसेस आपके साथ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सारा सामान मैं लेकर आ चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा कि मैं दो पेंटिंग बना दूँ, एक तो मतलब ये, एक मैंने ब्लैक शीट ले लिया है, ये मैंने पड़ी थी स्क्वायर शेप में, इसमें मैं बनाऊँगा जो ग्लोइंग टाइप का नहीं बनता, एक पेंटिंग टाइप होती है जो एक है, ये बनाऊँगा। पेंट ब्रशेस ले आया हूँ अपने में, अपना पैलेट, जुगाड़ू पैलेट, ये देख लेकिन गाइस काफ़ी अच्छा है, गत्ते से बनाया है, कोई बात नहीं। एंड बनाने जल्दी मेरे एक्रेलिक पेंट्स गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्रेलिक पेंट्स हैं। देन अभी स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। गाइस मेरा ये ख़त्म होने वाला है, एक ये और एक ये, जो एक मैंने अभी शॉर्ट अपलोड की थी अभी रिसेंटली, मैंने एक कैलीग्राफी पेंटिंग की थी, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो उसमें आपने अगर आपने देखी होगी तो उसमें ये ब्लैक एक्रेलिक पेंट मैंने यूज़ किया था, बैकग्राउंड करना था ब्लैक, वाइट कैनवस था मेरा, ठीक है ना। उसमें मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, तो मेरा वो सारा एक्रेलिक पेंट ज़ाया हो गया। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मेरा इतना, मतलब तो ये होता है एक्सपेंसिव है, ऊपर से इतना सारा मेरा ज़ाया हो गया था ना, बहुत मुझे हुआ था। लेकिन चले चीज़ ऐसे, बस मेरे पास है ब्रशेस, एक ये बड़ा वाला है, एक मेरे पास एक और था जो कि गाइस धोते धोते ना वो पूरा टूट गया, अब मुझे वैसे मिल नहीं रहा, मैंने लेना है। और एक ये जो बुशेस वगैरह बनाने के लिए काम आता है, ऐसे जीप टड़ा मेरा से, और एक ये बारीकी के लिए। तो आज सिर्फ ये यूज़ होगा, बस बात ही ख़त्म हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसको वेट कर लेते हैं, एक मैं कपड़ा ले आता हूँ, तो वैसे कपड़े भी आए हैं। तो अब मेरे दिमाग में एक और मस्ती भरा आइडिया आ गया है, यह है क्ल्यू। एंड देन इसमें मेरे सारे पोस्टर कलर्स पड़े हैं जो कि मैं अभी यूज़ नहीं करता, बट बहुत सारी ग्लिटर्स पड़ी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्ल्यू को लगा के, मतलब जो 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 भी करनी है ग्लिटर पेंटिंग करते हैं। मेरे तो ये कर रहा है, अब देखते हैं क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसको अपना गीला कर दिया है, सही से इसको साफ़ कर लेना है, साफ़ करने के बाद कपड़े से भी साफ़ कर लेना है। एंड देन इसमें जो ग्लो वाला है, इसमें तो मैं इसमें जो है ना वाइट ज़्यादा यूज़ होना है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होना है, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन एक जो फर्स्ट जो है वो वाइट यूज़ होगा इसमें। तो पहले पहले हम ले लेते हैं वाइट एक्रेलिक, तो अपना जो गारू पैलेट हमेशा तो निकल भी रहा है, बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा गाइस। इसमें थोड़ा सा लिया ये जो है ना, ये थोड़ा सा लिया मैंने बस, ज़्यादा नहीं। और हाथ पे पहला पेंट लग चुका है, और देखना आप कितने लगेंगे, एंड में देखना इसका भी यूज़ कर लेते हैं, सूखा है ये गाइस। खांसी बहुत है मुझे आज, आज मैं शायद प्रॉपर वीडियो ना बना पाऊँ आर्ट की, बट लेकिन कोशिश करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा मैंने ये, आपने ऐसे करना है कि ना पेंट जो है वो चारों साइड पर लगे, ठीक है ना, चारों साइड पर लग गया। अब हम पेंटिंग ओके। सो गाइस अब हम आ चुके हैं, तो अब मैंने बनानी है पेंटिंग। अब मैं क्या करूँ, ओह शिट, पहले बंद हो गया गाइस, ये हुआ कैसे है, ये हुआ कैसे आखिरकार, मेरा तो पेंट। गाइस अब कुछ करते हैं, जैसे कि आपने देखा गाइस शुरू होने से पहले ही ये साइन बता रहा है, ये साइन है कि कैसे जाएगा हमारा पेंटिंग, शुरू से पहले ये आ चुका है। ये मुझे समझ आ रही है पेंट आया कहाँ से, तो मैंने सिर्फ यहाँ से लिया था, मैं तो और कहीं हाथ नहीं लगाया,
और यहाँ वैसे के वैसे लगा हुआ है, या तो ये पायलट से लगा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलो हाथ साफ करते हैं। यहाँ पर लगा है ना, काफ़ी ज़्यादा पेंट्स आया हुआ है बैक, ये साइड अभी जिंदा है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना 16 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 16 साल का हूँ, मैं वो लिख लूँ 16 लिखना गाइस। हो गया कंप्लीट, हाँ कंप्लीट हो गया वन, बस ऐसे करके जो है ना आपको वन लिख देना है। ये उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा नज़र आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो वन लिखा, सीधा लिखा है। आप लिखेंगे 6, थोड़ा सा फिर से पेंट लेते हैं। तो गाइस अब लिखते हैं 16 गाइस बन गया अपना, गंदा मंदा बना, लेकिन मतलब इसको ना अभी ग्लो ही फेंक देना है बस, अभी जैसे हमने 16 लिखना था वाइट एक्रेलिक से, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब मैं कौन सा कलर चाहिए गाइस चूज़ करूँ, ब्लू चूज़ करूँ, येलो चूज़ करूँ, रेड चूज़ करूँ, ये समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आई शुड गो विथ, बिकॉज मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, सो आई शुड गो विथ दिस। तो गाइस अब जो है ब्लू एक्रेलिक पेंट जो सूख जाते ना गाइस, ज़ाया होता ना जब, बहुत दुख होता है। ये जितना भी है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा एक जगह पर है कि मेरे बना कर गलत पेंट बन जाता है ना, बस वो ज़ाया हो जाता है। गाइस ब्लू पेंट लेना है और उसको वाइट के साथ जो हमने यूज़ किया था, मेरा तो सब वाइट बचा था, तो मैंने इसको वाइट और ब्लू को दोनों ये जो है इनको मिक्स करके लाइट लाइट बनाना है, देन फिर डार्क के साथ, फिर डार्क के बाद थोड़ा और डार्क, देन फिर लाइट जाएगा, ऐसे अपना ग्लोइंग कलर बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें करना है मिक्स, आपको नज़र आ रहा है, ये अपने कर देना है मिक्स। मेरे को नज़र नहीं आ रहा, अच्छी तरीके से लाइट ब्लू कलर बन जाएगा अपना। तो गाइस अभी हम लोग पूरा मिक्स कर रहे हैं और बैकग्राउंड अब इसको प्लीज़ इग्नोर करना गाइस, घर रहे घर पर तो बात है, शोर शराबा तो होएगा। सो गाइस ये देखिए गाइस हो चुका है। अब ये जो है ना अपना इसके बाहर बाहर लाइक जो है ना ये आउटलाइन टाइप जैसे करते हैं हम, वैसे एक और आउटलाइन ब्लू से कर देनी है हमें, लाइट लाइट ब्लू से कर देनी है आउटलाइन टाइप की, ठीक है ना, वो भी फटाफट करते, पहले मैं वन का करता हूँ आउटलाइन। गाइस फर्स्ट लेयर हो चुकी है अपनी, मतलब इसको मैंने अभी ये जो है ना इसको अभी इग्नोर करो, इसको सेकंड लेयर करते हुए हम बिल्कुल क्लियर एंड बिल्कुल फाइन कर देंगे। अभी अभी गंदा मतलब बन रहा है, ठीक है ना। अब देन डार्क ब्लू जो असली कलर ये वाला था, इसमें कोई वाइट नहीं, अब देन इसी को अब करना है, देन उसके बाद फिर लाइट कर देंगे, ठीक है ना। तो सब वाटर तो कौन सा पूछोगे गाइस, अपना ख्याल रखें क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, थोड़ा सा लोगों में बिल्कुल माइनस सा ये देखें। आवाज़ इग्नोर करना गाइस, मैं सॉन्ग लगा दूँगा ताकि आवाज़ सुनाए आपको भी, मेरे चिराग को आपको भी सुनना है, क्यों भाई साहब जो बातें हो रही हैं उन्हें तो। बिल्कुल परफेक्ट चारों तरफ से ले लिया मैंने ब्लू, ओके अब इसको कर रहे हैं। ये ब्लू वाला है ना इसी के जैसे हमने वाइट के ऊपर वाइट की आउटलाइन कर दी ब्लू की, अब इस डार्क ब्लू को आउटलाइन कर देना है इसके ऊपर, लेकिन ये जो है ना सारा बिल्कुल फाइन कर देना है। अभी अभी टेढ़ा मेरा हुआ है ना सारा बिल्कुल प्रॉपर। गाइस अब डार्क ब्लू की भी लेयर हो चुकी है, अब डन, दोबारा हमें जाना है लाइट पे। अब ये दोनों बच्चे हैं मेरे पास, ये जब डार्क किया ये है एंड जो ये है, इन दोनों को फिर से मैं कंबाइन करके फिर से वही लाइट कलर बनाएंगे, थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर देंगे बस खत्म। तो गाइस ये ब्लू कलर बन चुका है अपना, आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है ना। अब इसको डार्क ब्लू की आउटलाइन कर देनी है, ओके आई थिंक अब इसमें जाएगी वाइट या थोड़ी सी लाइट ब्लू, कोई एक लेयर फिर जाएगी इसमें लाइट, मतलब लाइट बिल्कुल ये है थोड़ा हल्का सा ब्लू ब्लू जितना थोड़ा सा अपना दे रहा है, ग्लो ग्लो दे रहा है हल्का हल्का। तो अब इसको कर देंगे हम पूरा, ठीक है ना, परफेक्ट एक मतलब शार्प लाइन देनी है, बिल्कुल क्लीन लाइन। ऐसे आप लोग को भी दिखा दूँ
ये देखो गाइस, ये रहा अपना, हो रहा है। मैं ना थोड़ा सा यूं रखता कि आपको थोड़ा सा देना नज़र आ जाए, ऐसे करके बना दो, ठीक है? अब सही है ना? अब जो है तो गाइस हो चुका है, अगर आपको नजर आ रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें थोड़ी सी ना डिटेलिंग देते हैं। सो गाइस चेक दिस आउट, अब इसमें मुझे लगता है कुछ डिटेलिंग देते हैं थोड़ी सी ना, लाइक क्या डिटेलिंग दें, सोचते हैं इससे कुछ करते हैं अपन, लाइक कुछ वाइट कलर के डॉट डॉट बनाए, क्या करें, मुझे ऐसे काफ़ी है, ऐसे ऐसे चल रहा है बस। हाँ ऐसे ही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। सो गाइस हो गया, ये देखिए ये हो गया 16। और अब एक और पेंटिंग बनानी है, जो कि पेंटिंग अपनी अच्छी बनने वाली, मतलब वो बिल्कुल लग रही। तो गाइस अब तकरीबन ना आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा है, तो गाइस ये पेंटिंग अपनी बन चुकी है, काम ये इतनी बन चुकी है, इसका कुछ करते हैं। तो अब मैं ले आया हूँ गत्ता, क्योंकि मैंने करनी है गत्ते पे पेंटिंग, एक कार्डबोर्ड पेंटिंग करनी है। और मैंने मोबाइल अपनी उस साइड रखती जहाँ से लाइट, बट लाइट ना होने के बराबर है। अब इसको हम काट देते हैं बीच से, एंड देन करते हैं पूरा बनता भी है नहीं बनता, क्योंकि मुझे लगता है कि देर हो जाएगी तो अभी रात, मतलब अभी रात होने नहीं वाली, मगरिब होने वाली, तो अंधेरा हो जाता है। तो गाइस अगर मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो तो मुझे माफ़ करना मेरा, या तो मैं पहले, मेरा आइडिया था कि मैं सिर्फ एक करूँ जो कि ये, लेकिन फिर मैंने चल ये भी करते हैं अच्छा लगेगा। तो अब चलो वैसे भी तो गाइस अब चलो इसको करते हैं पेंटिंग। तो अब मैं अपनी बुथार दिखाना बंद करता हूँ, एंड देन पेंटिंग दिखाता हूँ मैं आपको कि इस तरह ये बननी है, ठीक है ना? चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस होने वाली है अब मगरिब की अजान, तकरीबन अजानें हो रही है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद गाइस इसको कंटिन्यू करते हैं, और देखना भी एक कंटिन्यू कर पाता नहीं करूँगी गाइस। मैंने आज याद पे करना, कल हमारा टेस्ट है दिसंबर टेस्ट का, तो गाइस नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, तो गाइस मुझे लग रही थी भूख। तो अब मैंने कहा बुला रहा है, तो अब मैंने कहा मैं खाना खाया था, क्योंकि गाइस मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया था, अब मैं जब खाना खा रहा हूँ क्योंकि आपकी भूख लगी, तो खाना खा लेते हैं। उसके बाद गाइस अंधेरा तो हो चुका है, आई डोंट थिंक के अब बना पाएंगे, बट अब करते हैं। तो गाइस खाना पीना सब कुछ हो गया, अब चलते हैं पेंटिंग पर, क्योंकि गाइस याद तो मुझे पता है अब होना नहीं है, क्योंकि रात हो चुकी है और रात को मुझसे याद नहीं होता। अब देखेंगे जो भी होता है, बस छोड़ो अब याद को छोड़ो, अब देन करते हैं हम इससे पेंटिंग अपने इस पर थी ना, हाँ ठीक है इस पर करनी है अपनी पेंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमने इस पर सीन, मतलब कुछ सीनरी टाइप का होगा, देन फिर एक लड़का बैठा होगा, देन उसने बलून्स वगैरह पकड़े हुए, कुछ इस टाइप के बनाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, पूरा प्रोसेस देखने। ओके तो गाइस कैमरा सेट हो गया गाइस, सॉरी अगर मतलब बिकॉज ना इतनी ज़्यादा सही रोशनी ना आई, एक लाइट लगी वो वहाँ लगी, और वो भी किसी काम की नहीं है मुझे पता, बिल्कुल मेरा काला काला सॉरी की रात हो गई है। अब चलते हैं पेंटिंग करते हैं ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू लाइक ब्लू एंड वाइट को मिक्स करके एक लाइट ब्लू बनाना है, क्योंकि हमने आसमान बनाना है, बैकग्राउंड बनाना है, उसके लिए तो करना पड़ेगा। करेंगे कुछ भी बहुत अच्छी थी गाइस, इसकी ऐसे लग रहा है कुछ डिश बना रहा हूँ। इस टाइप का आपके पास आ जाए कलर नज़र आ रहा है, अभी कहाँ गया ये देखो ऐसा, मतलब थोड़ा ना 1990 वो होगा, थोड़ा सा सीन होगा। हमने दिल कर रहा है मैं ना इसको ये ना ये यहाँ से काट लूँ, ये ना बैंड हुआ है रुक जाओ, इसके से काट रहा थोड़ी और छोटी लगती, ताकि जल्दी जल्दी पेंटिंग हमारी हो जाए कम्प्लीट। ओके एंड ये बताइए आप किसका मैसेज आया है, हामिद साहब का मैसेज आया हुआ है। ओके सबसे पहले हम करते हैं अपना ये, वैसे मेरा जो ब्रश है ना, मेरी एक सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई थी, अक्रैलिक पेंट जब मैंने न्यू लिए थे ना, तब मुझे नहीं पता, मतलब इतना कोई इनके बारे में इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई था। और मैंने एक दफ़ा पता क्या किया,
पेंटिंग करने के बाद ना मुझे जो पेंट एक्रेलिक लगा रह गया, क्योंकि मैं उससे पता नहीं कुछ बिजी था, पता नहीं क्या था, मुझे याद ही नहीं रहा पेंट धोना ना। उसके बाद जो इसका हाल हुआ है ना, मतलब मैंने काफ़ी मुश्किल से इसको सही किया है, मतलब धोने का मतलब पेंट करने के काबिल किया है, लेकिन अभी भी इतना ये अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है ना। बट चलो कोई बात नहीं, अभी गुजारा लग गया। इसमें अब हमने क्या करना है, पहले थोड़ा सा यहाँ से ब्लू ले लेना है, फिर नीचे हमें दूसरा पेंट लेना है ताकि थोड़ा ना ऐसे ई शाम वाला इफेक्ट आ जाए ना, इवनिंग टाइप का, थोड़ा सा येलो इस थोड़ा पर्पलिश टाइप का नहीं होता वैसे इफेक्ट आ जाए। तो अब यहाँ से हमने ब्लू कर लिया, इतना काफ़ी है ब्लू, ठीक है ना। अब ब्लू कर लिया हल्का हल्का यहाँ पर ना, ऐसे आपने थोड़ा कर देना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ना, ताकि वो जो अब दूसरा जो करोगे पेंट मर्ज हो जाए आराम से, ठीक है। और ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि एक्रेलिक पेंट को जल्दी जल्दी जो भी करना है, मैंने अभी लिखा ऐसे किया, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा कलर करते हैं बट इसको पहले एक और कोट कर लेता हूँ। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एक्रेलिक पेंट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, मतलब बिल्कुल जल्दी सूख जाते हैं ना वो, तो उसके लिए आपको फास्ट फास्ट करना होगा हर चीज़ जो भी करेंगे आप, ठीक है ना। अब इसको मैंने कर लिया है, ठीक है, तीन पेंट येल्लो, ये येल्लो मेरे से कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब रुक जाओ, मुझे पहले साइड चेक करूँ तो, हाँ ठीक है, चलो अब इसको करते हैं मिक्सअप, मिक्स 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 मिक्स। कितना प्यारा कलर बन के आया गाइस, थोड़ा ना मस्टर्ड टाइप का नहीं होता ऐसे, मतलब इतना प्यारा लग रहा है, यू कैन सी इट। तो ये देखो कितना हुआ, ठीक है ना, मतलब इसको मैंने रफ रफ किया था कितना कितना कि वो मर जाते उसके साथ, ओके, थोड़ा ग्रीनिश टाइप हो गया। ये चेक कर लें आप, अच्छा लग रहा है अभी, ऐसा थोड़ा ना ग्रीनिश हो गया ये, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता, चल गई अच्छा लग रहा है। ट्रस्ट था प्रोसेस वाला सीन करते हैं। अब वी नीड ग्रीन कलर टू मेक ग्रास, ओके, इतना कर लिया है। अब ये ब्रश उठाया मैंने बिकॉज मुझे ब्रशेज बनानी है, और ये थोड़ा गीला था, ऐसे तो मैं बस एक ग्रास बनाऊंगा, देन उसके बाद एक लड़का खड़ा होगा, लेकिन ये पता नहीं क्या बन रहा है, मतलब बस जो बन रहा है बन रहा है, मुझे कुछ खुद समझ नहीं कि मैं बना क्या रहा हूँ ना। ये अपना इतना बन गया, अब पता नहीं आपको सही नजर आ नहीं आ, क्योंकि ना ये आसमान की तरह हल्का ब्लैंड ब्लैंड टाइप का हो गया, ठीक है ना, ये बन गया। अब नीचे जो है ना, मुझे ना ऐसे फूल टाइप लड़िया बनाऊँ, और जैसे ये ब्लैक है, ये दीवार बन गई, दीवार हो गई, और दीवार के ऊपर सारा अपना घास बन गया। आपको जैसे बन रही थी ये बर्ड से रिलेटेड, कहाँ पर है इस, ये बर्थडे से रिलेटेड बन नहीं रही। पहले गाइस मैं चेक करता हूँ किसके मैसेजेस। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी था, वो पता कि ये मैंने पेंटिंग की और फ्लॉप हो गई, बस बात खत्म। अब गाइस बिल्कुल एनर्जी नहीं है गाइस, अब मैंने व्लॉग बंद करना है, और थोड़ा सा याद करूँगा इस, बिकॉज पता नहीं क्या होता है। बट गाइस आई एम हैप्पी फॉर दिस, ये मैंने अपने लिए बनाया। हाँ गाइस लुक एट दिस मैस, ऑल व्हाट जो मैंने क्रिएट किया, वो चाय की प्याली वैसे पड़ी हुई है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस व्लॉग या दिस वीडियो, जो कह लो इसको कहना है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें गाइस। बस अभी जैसे छुट्टियाँ होंगी ना गाइस, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह, मैं चैलेंज करेंगे, ठीक है, चैलेंज करेंगे, भले एक दो मिनट के लिए मैं डालूंगा, ठीक है ना, चैलेंज करेंगे। नहीं गाइस आप इस चैनल को काफ़ी देर सपोर्ट करेंगे गाइस, आने वाले वक्त में मतलब मैं काफ़ी वीडियो डालूंगा, अब टाइम मुझे नहीं मिलता, देन गाइस अब आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, बस इसी तरह से मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। एंड देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, लाइक।